हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विद्युत विश्वास एंड वेलकम टू माय चैनल हिडन जेम ऑफ स्टॉक मार्केट बाय विद्युत विश्वास। फ्रेंड्स, आज इस एक कंपनी के बारे में आप लोगों को बात करने जाता है जो जिसका बिजनेस से ज्यादा मैंने उसका इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा बात करूंगा। और इस कंपनी का जो प्रोमोटर है उस प्रोमोटर को मैंने तो मतलब हम लोग सब वॉरेन बफेट का नाम लेते हैं, लेकिन इस कंपनी का जो प्रोमोटर है उनका इन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने तो उनको मैं वॉरेन बफेट का भी ऊपर रखता हूँ, तो मतलब बहुत बड़ा बात है। लेकिन आप लोग भी सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। तो इन्होंने जस्ट 10 साल पहले 4.5 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट किया था और वो इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन ये 10 साल में 1000 टाइम्स हो गया। तो आप लोग तो सुन के हैरान हो जाओगे जी, ये कौन सा मतलब आदमी है कि इसका नाम क्यों नहीं सुनाई दिया। ऑब्वियसली आप लोग सुना है उसका नाम, तो उनके बारे में ही पूरा टोटल बात करेंगे। तो मतलब मैं तो हैरान हो गया, उनको सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऐसा कई सारा इन्वेस्टमेंट है। तो मतलब चलो अभी उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा जो नेसेसरी जो बात कर लेते जी, मैं कोई मतलब सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हो नहीं, सभी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं है, तो मेरे पास रिकमेंडेशन देने का कोई अथॉरिटी है नहीं। तो मैंने आप लोगों को रिकमेंडेशन तो नहीं दे सकता फ्रेंड्स, तो लेकिन एक चीज आप लोगों को जरूर दे सकता हूँ, मेरा एनालिसिस, मेरा कंपनी के ऊपर व्यू पॉइंट, ये सब आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकता हूँ। तो जो वो शेयर आप लोगों के साथ ऑब्वियसली अभी करूंगा, देखो, और उस मेरा व्यू पॉइंट गलत भी हो सकता है फ्रेंड्स, एक कोई मतलब बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप लोग प्लीज उसको ना, मतलब बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन का तरह मत लो, इसको लर्निंग करो इस कंपनी का। और चलो फ्रेंड्स, और आप लोग मेरे को फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा खुद जो मेरा ग्रुप है उसका लिंक दिया हुआ है, तो उसके बारे मतलब मेरा ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स, अभी ज्यादा बात नहीं करके चालू करते जो तेरे तो उसके जो चलो अभी ज्यादा बात नहीं करके बता देते उनका नाम। उनका नाम है संजीव बिगचंदानी, जो इन्फोहेज जो आप लोग ऑब्वियसली सुना होगा उसका प्रोमोटर है। तो इन्फोहेज कौन सा कंपनी है, एक देखो उनका उन्होंने जैसे बिजनेस चालू किया था नौकरी.com करके एक मतलब स्टार्टअप चालू किया था, वो इंडिया का अभी नंबर वन जॉब पोर्टल है। अभी उन्होंने क्या किया, चलो अभी नौकरी.com का तो बारे में सबको पता है, हम लोग कभी ना कभी जो लोग सर्विस करते हैं तो सबने कभी ना कभी नौकरी.com का तो सर्विस लिया हुआ है, या तो नौकरी.com का साइट में एक बार हुआ तभी। तो इंडिया का जितना जो मतलब ये जॉब सर्च नेटवर्क है उसका 90% टैरिफ तो इस नौकरी.com में ही आता है। तो इन्होंने भी यही छोटा स्टार्टअप से आज एक जाइंट बनाया जो मतलब 66,000 का मार्केट कैप ऑलरेडी, इसका 59,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो ऑलरेडी टॉप से मतलब अभी भी टॉप से कितना ऑलमोस्ट 30-40% करेक्ट होने के बाद जो है। तो इस देखिए इसका मैं बात इसलिए करूंगा, इनका जो प्रोमोटर है 10 साल पहले जोमोटो में मतलब 4,500 करोड़ का मतलब इन्वेस्ट किया था, जिसका मार्केट वैल्यूएशन अभी उससे 1000 गुना, अभी भी 15% मतलब अभी इनका जो चलो बैलेंस शीट जो है देखोगे ना, जैसे जोमोटो को लिस्टिंग हुआ तो जोमेटो को लिस्टिंग के वजह से इनका बैलेंस इस जगह पे मैंने तो हैरान हो गया था, इनका बिजनेस में मतलब 13,000 करोड़ एक्स्ट्रा इनकम अदर्स इनकम का है। तो उसके बाद देखा जोमेटो को लिस्टिंग से जो फायदा हुआ उधर से इसको ये जो अदर्स इनकम है वो आए थे। चलो अभी जोमेटो का अभी भी 15% जो मतलब शेयर इन्होंने होल्ड कर रहे, जिसका रफली 15-16,000 करोड़ का मतलब वैल्यूएशन है जोमेटो का, जो मतलब 67,000 का मार्केट कैप है। तो उसकी सिर्फ चलो अभी जोमेटो नहीं है, इन्होंने क्या किया तो उनका ये मतलब वो है मतलब क्या कहते हैं, एक हॉबी है जो इंडिया का जितना भी नया स्टार्टअप आ जाता है उसमें एकदम इनिशियल स्टेज में इन्होंने जैसे इन्फोएज को जैसे एक छोटा से बड़ा किया, तो इनके पास वो नजर है देखने का बिजनेस। तो इन्होंने जितना इंडिया के ऐसे स्टार्टअप आता है अच्छा अच्छे, तो उनके एकदम इनिशियल स्टेज में उन्होंने उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो उसमें क्या करते हैं देखो, तो इन्फोएज का अगर इन्वेस्टमेंट देखेंगे आज के दिन में, देखो उनको इंडिया का जितना लीडिंग साइट है, ऑब्वियसली नौकरी.com का खुद का है, जैसे 99acres से इंडिया का मतलब ऑनलाइन रियल स्टेट सर्च पोर्टल आप लोगों को सबने सुना होगा, पहले मैजिक बिक्स था लेकिन इनका टैरिफ अभी मैजिक बिक्स के छोड़ गया और इंडिया का नंबर वन रियल स्टेट साइट है। और जीवनसाथी.com मतलब जो मैचिंग मतलब क्या कहते हैं शादी विवाह के लिए जो आप लोगों को मतलब ब्राइड ग्रूम
सर्च करने का जो साइट होता है वो जीवन सची, ये भी इंडिया का नंबर वन है। शिक्षा.com ऑनलाइन एजुकेशन क्लासिफाइड पोर्टल, तो सब हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से पता है। और सबसे बड़ा बात है पॉलिटिसी बाजार, उसमें भी 13% का स्टेक है। तो जोमैटो का लिस्टिंग में जैसे मतलब इनको मतलब क्या कहते हैं जो फायदा हुआ था, ऑब्वियसली पॉलिसी की वजह का जो अभी लिस्टिंग का बात चले उसमें भी ये मतलब फायदा होगा। और जैसे ये सब का कभी ना कभी मतलब 99acres जीवन सिटी डॉट कॉम सबका कभी ना कभी लिस्ट होगा तो उनसे भी इसका फायदा होगा। तो इनका जो है जो बिजनेस है तो वो तो है ही, उसके साथ नौकरी डॉट कॉम वन ऑफ द लीडिंग साइट है, उसका इस जगह पे जो रेवेन्यू सब आता है उधर से आता है। उसके साथ जो वन टाइम इतना बड़ा मतलब नौकरी डॉट कॉम ने 10 साल में इतना ज्यादा कैश जनरेट नहीं किया जो इसने 1 साल में कर दिया। और तो इस तरह का इंडिया का जितने सारे स्टार्टअप्स है, जैसे कुछ एग्जांपल इधर दिया हुआ है इसका साइट से मेरे को मिला, जैसे नो पेपर फॉर्म्स, एडवांस एनरोलमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म 48% उसके मतलब उन्होंने मतलब शेयर खरीद लिया। यूनिवर्सिटी मतलब गाइडेंस ऑन करियर एडमिशन टेस्ट 48.9% है। एक ग्रामोफोन एग्री इनपुट्स ई कॉमर्स साइट तो 32.9। तो ये सब क्या जैसे बिजनेस जो है B2B फुटवेयर मार्केट प्लेस है 27% ऑलमोस्ट, प्रिंट रिटेल चेन प्रोवाइडिंग प्रिंट एंड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस। तो इंडिया का जितना मतलब जैसे अड्डा जैसे है हम लोग सबने सुना है गवर्नमेंट जॉब प्लेटफॉर्म जी, इधर छोटा छोटा जो जितना भी स्टार्टअप है उसका एक पोर्शन उन्होंने जाके मतलब उधर इन्वेस्ट कर देते, कुछ करोड़ रुपया दे देते। जैसे जोमैटो का 4.5 करोड़ से उन्होंने इतने ज्यादा स्टॉक खरीद लिया था उनका, आज उसको इतना सारे। तो इनमें से कोई कोई भी बाद में 10 साल बाद इतना बड़ा होगा तो इसको कितने ज्यादा कैश रेवेन्यू मिल सकता है, रही कंपनी कहाँ पे जा सकते हैं। तो मतलब इसका इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू है इसका तो एक बिजनेस का तो वैल्यू है ही, तो उसके साथ इसका जो इन्वेस्टमेंट एक कंपनी जो करते है तो वो इन्वेस्टमेंट की वजह से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो अमेजिंग है। तो मतलब आप लोगों को और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप लोग थोड़ा पढ़ लेना तो इसका फंडामेंटल्स के बारे में आप लोगों को और भी पता चल जाएगा सब। इसको देखो ये 5 का PE में मिल रहा है, लेकिन 5 का PE इसलिए है क्योंकि 13,000 करोड़ इस साल में एक्स्ट्रा इनकम हुआ, तो उसको मैंने नहीं लूंगा ठीक है। तो जो इसका जो मेन जो अभी करंट प्राइस है 4,599, तो जो इसका ऑलमोस्ट 8,000 के आसपास 7,500 के आसपास हाई था उधर से 40% मतलब नीचे मिल रहा है, रिड्यूस जैसे डेट फ्री कंपनी है सब कुछ है। और इसका जो नॉर्मल बिजनेस है उसका रेवेन्यू अगर देखेंगे 419 करोड़ का रेवेन्यू दिसंबर क्वार्टर में, जो लास्ट जो मतलब दिसंबर कोविड के पहले वाला भी क्वार्टर है उसको भी सप्रेस कर गया। और जैसे ये देखेंगे इस मतलब साल का जो TTM के हिसाब से देखेंगे हाईएस्ट एवर है, और प्रॉफिट भी 12,000 करोड़ का दिख रहा है। तो वो वही वजह से जो वन टाइम ये इनकम आया जोमैटो के वजह से। इनका अगर मतलब रिवर्सेस देखेंगे बहुत है, 19,000 करोड़ का रिवर्स है, ऑलमोस्ट जेपरी कंपनी है। और प्रोमोटर का होल्डिंग में देखेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा सा कम हुआ, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन मेरे लिए कोई चिंता का बात नहीं है क्योंकि इस जगह पे जो अगर FII का DII का होल्डिंग मतलब FII का होल्डिंग भी अच्छा खासा है, 37 थोड़ा सा कम हुआ क्योंकि इस क्वार्टर में सारे कंपनी का ही FII होल्डिंग कम हुआ, लेकिन DII होल्डिंग बढ़ गया इसका, पब्लिक होल्डिंग भी कम हो गया। तो मेरे को उड़ी के लिए कोई बात नहीं है। तो ये कंपनी जो है इसमें तो मैंने क्योंकि ये मेरे को 40% और जिसका इतना अच्छा अच्छा इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बाजार और इंडिया का लीडिंग साइट 99acres.com सब में इसका इन्वेस्टमेंट है, तो इस कंपनी में तो मैंने इन्वेस्ट तो करूंगा। तो टेक्निकल में देख लेता, एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग मतलब अपवर्ड चल रहा था ऑलमोस्ट 2014 से, तो उसके बाद एक थोड़ा सा मतलब एक इसको डाउन ट्रेंड आया था। मेरे हिसाब से शायद और भी थोड़ा जा सकता है, लेकिन मैंने इस जगह से इन्वेस्टमेंट चालू करूंगा इसमें। जैसे टेक्निकली अगर देखूंगा इस जगह से एक डाउन ट्रेंड लाइन जो था उसको ब्रेक किया और उसको रिटेस्ट कर रहा है, और ये जो ब्रेक किया वो वॉल्यूम के साथ ही ब्रेक किया, तो मतलब इस जगह से तो मैंने थोड़ा इस जगह से मेरे को जितना लेना है क्योंकि मेरे को 40% चिप मिल रहा है, और टेक्निकली भी जो एक रिट्रेसमेंट आया था जो डाउन ट्रेंड है उसका 40% ऑलमोस्ट करेक्ट कर दिया, मतलब इसका मार्केट कैप 40% करेक्ट हुआ, मतलब
मतलब क्या बोलूँ, और उसको मतलब 7,500 कंपनी है, 40% नीचे मिल रहा है, तो इसमें ले लूंगा तो मैं कहाँ पे लूंगा। और इतना अच्छा जो फंडामेंटल्स वाला कंपनी, तो इस जगह पे डाउन ट्रेंड लाइन भी तो ब्रेक किया, तो मतलब मेरे को रिट्रेसमेंट कंप्लीट जैसे दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा और भी कंफर्मेशन के लिए वेट करूंगा। इस जगह पे मैंने हाफ लूंगा, और हाफ जो ये पॉइंट को क्रॉस करेगा तो उसके बाद बाकी हाफ लूंगा। तो अगर नीचे आए तो अभी के लिए तो क्या है, मेरे मेरे एक स्टॉप लॉस जो है एकदम जो लोएस्ट पॉइंट है, कैसे भी मैं बिलीव करता हूँ इस कंपनी में स्टॉप लॉस का कोई जरूरत नहीं है, तब भी आप लोग, क्योंकि इस जगह इसको तोड़ेगा तो इस जगह पे सपोर्ट है, तो उतना कुछ मतलब डरने की बात नहीं है। और इस जगह पे अगर देखेंगे एक सपोर्ट पे जो मतलब अप ट्रेंड चल रहा था उसमें ही एक सपोर्ट तो ले रहा है, नहीं अगर इसको मैंने इधर से जो अप ट्रेंड चालू हुआ था इस सबको ज्वाइन करूंगा। देखो उस जगह पे सपोर्ट ले रहे हैं वो लाइन पे, तो मेरे हिसाब से उतना डरने का बात नहीं। इस जगह पे अच्छा खासा ट्रेंड लाइन जो है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया का उसको ही रिटेस्ट किया, तो इसके बाद बड़ा मूव आ सकता है इसमें, क्योंकि मेरे को जो लगता है इनिशियल जो एक मूव था वो खत्म हुआ, एक बड़ा मूव इसके बाद चालू हो सकता है जो इसका ओरिजिनल वैल्यू जो है लॉन्गर टाइम फ्रेम में अनलॉकिंग करेगा। तो इस कंपनी में मैं तो इन्वेस्ट करूंगा, आप लोग बाकी आप लोगों को मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग और भी पढ़ाई करो इसके ऊपर, तो उसके बाद आप लोग देखना। चलो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।